एनर्जी कैसे बढ़ाया अब ये बताइए। ओके नाउ कमिंग टू द राइट पॉइंट, दिस इज वेरी गुड पॉइंट रमेश जी, आई वाज एक्सपेक्टिंग समबडी टू आस्क दिस। पॉजिटिविटी जब भी आती है, जब हम पॉजिटिव थॉट आते हैं, लेकिन क्या है कि हमारा, हम ह्यूमन बीइंग है, वी आर ऑल मैन मेड मटीरियल, तो मतलब है तो कॉस्मिक मेड मटीरियल, बट हमारा दायरा ऐसी रहता है, यस नो बेबी मे नॉट बी वाला, कभी कुछ तो ऐसे में माइंड की स्टेबिलिटी बहुत बड़ा कंसर्न है। इट्स लाइक कि हम हर समय खुश रहें बड़ा मुश्किल काम है, दुनिया की 33 तरह के हमारे अपने कर्मकांड करने होते हैं, तो इट्स वेरी टफ। नाउ अब बात आती है कि हमें अपना ऑरा को इस टफ सिचुएशन में मेंटेन कैसे करना है। आसान आसान चीजें कुछ बता रहा हूँ, इट्स वेरी वेरी इजी। सबसे पहले तो दो तरीके से ऑरा को बढ़ाएं, एक तो आप अपने जगह का दायरे का ऑरा बढ़ाएं, दूसरा आप अपना ऑरा बढ़ाएं। जगह आपका घर हो सकता है, आपका ऑफिस हो सकता है, आपका दुकान दफ्तर कुछ भी हो सकता है, उस जगह का ऑरा बढ़ाएं, ठीक है। अगर वो जगह का ऑरा डल है तो आप अपने ऑरा से उसकी भरपाई करेंगे, इस बात को समझ लेना। अगर आप किसी डल जगह में जाते हो तो आपके ऑरा उस जगह की भरपाई करता है, उसके ऑरा की वीकनेस की। इट इज एज गुड एज लाइक वास्तु में, आप सब पढ़ते हो वास्तु में, भवन का वास्तु, हमारा शरीर उस वास्तु की भरपाई करता है, तो इसीलिए हमारे हमारे शरीर में नाना प्रकार की समस्या पैदा होती है, नाना प्रकार के विकार पैदा होते हैं इसीलिए हमारे शरीर में, और हमारी समस्याएं भी बढ़ती हैं, धन धन की संतान की या सुख दुख की समस्याएं बढ़ती हैं, क्योंकि हमारा शरीर उसकी भुगतान करता है। तो ये भी ऑरा के साथ अप्लाई होता है, जगह का ऑरा बढ़ाए। अब जगह का ऑरा और हमारा ऑरा, दो चीज, पहली चीज हमारा अपना ऑरा कैसे बढ़ाए। हमारी एनर्जीज बहुत क्लीन रहनी चाहिए, उस एनर्जीज को क्लीन रखने का तरीका, एक तो जैविक सर ने बताया विचारों की शुद्धि, विचारों की शुद्धि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेट गो का एटीट्यूड आना चाहिए। मैं आपको एक आसान, एक कल का ही बताता हूँ वाक्य है। एक हमारी टीम है जो कुछ ग्रुप पे मैसेज करती है तो भी हम कनेक्ट कर पाते हैं एक दूसरे से, तो उन्होंने किस ग्रुप पे पता नहीं किस पे कहाँ क्या मैसेज किया, वहां से बहुत ज्यादा फालतू फालतू के काइंड ऑफ पीपल कनेक्ट हुए, जो हेलो 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 करते रहते हैं, और लाइक सो द पूना वाज गेटिंग वेरी इरिटेटिव कॉल फ्रॉम लास्ट 2 डेज की, ऐसे ऐसे फालतू के कॉल आ रहे थे। तो शी हैज गिवन मी दी फोन, आई सेड व्हाट टू डू, अगर मैं उनसे कुछ भी बोलूंगा हाउ डज इट मैटर्स टू देम, बिकॉज वो पहले दिमाग से सटाया हुआ है, उसको कुछ बोल के मुझे क्या होगा, मैं अपना डिस्टर्ब करूंगा। आई ब्लॉक्ड इट, आई सेड यू ब्लॉक द नंबर्स हू एवर डू ऑल दिस अननेसेसरी के फालतू हेलो हेलो, क्योंकि टॉकिंग टू दिस पीपल, बिकॉज दिस पीपल आर नो कि भाई मैं जो बात कर रहा हूँ फालतू की है, उसका कोई सेंस नहीं है, और मैं उसको ज्ञान बांटू तो मैं बेवकूफ, उसका क्या, तो पहली फालतू का ही काम कर रहा था। सो गेट आउट ऑफ दिस ब्लॉक इट, मैं उससे 15 मिनट लगा के अपनी एनर्जी वेस्ट करूं, उसके मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपना काम करूं, उसको ब्लॉक कर हटाओ साइड करो, सिंपल। सो दिस इज अनदर वन वे। हम आमतौर पर अटक जाते हैं लोगों से वार्तालाप करते हुए कि भैया नहीं ये क्यों ये क्यों, अरे जाने दे, ब्लॉक कर आगे बढ़ो, चीजों को इग्नोर करो आगे बढ़ो, ये लाख रुपए की बात है सर। ठीक है, तो मेरे 15-20 मिनट बच गए और उससे ज्यादा मेरा मेंटल पीस बचा, फालतू जिज्जी करता हूँ उससे, वन वे। अभी जैनवीन सर ने जी ने पानी पिया, पानी के अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज होती है। व्हेनेवर यू आर फीलिंग नेगेटिव थॉट, टेक अ ग्लास, ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर विद द पॉजिटिव अफर्मेशन कि मेरी समस्या निकल जाए, इमीडिएट निकलेंगी वो, तो आप लोग कई लोग इस पैथी पे काम भी करते हो, ठीक है, तो इमीडिएट रिजल्ट आएंगे, इमीडिएट।